चाय ब्रेड पकौड़ा बेचने वाली सास बहू। अरे बहू क्या कर रही है, चल जल्दी चल, अगर देर करेगी तो हमारा ठिकाना कोई और हड़प लेगा। अरे माँ जी आप चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए आपका ठिकाना कोई नहीं छीन सकता। पुष्पा पुष्पा राज, मैं झुकेगी नहीं माँ जी। अरे चल अब ज्यादा डायलॉग मत मार। दोनों सास बहू बाजार में जाकर अपने ठिकाने पर चाय बेचना शुरू करती हैं, जिसके बाद गांव के कई सारे लोगों की भीड़ वहां लगनी शुरू हो जाती है। अरे क्या बात है, आज इतनी देरी लगा दी आने में, क्यों क्या हुआ, आज तुम्हें चाय बेचने का मन नहीं था क्या? अरे सब्र करो जरा, चाय तो बनने दो। दोनों सास बहू मिलकर चाय बनाना शुरू करती हैं। उनकी इलायची और अदरक की खुशबू से पूरा गांव महकने लगता है, जिसके चलते गांव के सभी लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। पहले मुझे दे दो, मैं कितनी देर से लाइन में खड़ा हूँ। अरे नहीं नहीं पहले मुझे दो, मुझे पहले चाय पीनी है। अरे अरे बहस मत करो, हम आप सभी को चाय जरूर देंगे। चाय बनने के बाद पुष्पा और ममता दोनों ही अपने ग्राहकों को बारी बारी से चाय देना शुरू करते हैं, जिसके बाद सभी लोग चाय पीकर चाय के चटकारे लेते हैं। वाह क्या चाय बनाई है, इतनी स्वादिष्ट चाय तो कभी नहीं पी मैंने। आखिर तुम ऐसा कौन सा जादू डालती हो अपनी चाय में? अरे कोई तो जादू है जो इनकी चाय में आता है, आखिर ये दोनों इतनी अच्छी चाय कैसे बना लेती हैं? गांव के सभी लोग दिन में 3 से 4 बारी ममता और पुष्पा के पास आकर चाय पी लिया करते थे, जिससे ममता और पुष्पा दोनों सास बहू को चाय बेचकर अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद गांव के सभी लोग पुष्पा और ममता से कहने लगते हैं, अरे ममता बहन ऐसे रोकी रोकी चाय कब तक पिलाती रहोगी, चाय के साथ ब्रेड पकौड़ा बनाकर बेचना शुरू कर दो। हाँ हाँ सही बात है, खाली चाय पीने में उतना मजा नहीं आता जितना ब्रेड पकौड़ा खाते हुए चाय पीने में आता है। अरे चिंता क्यों करते हो, अगर तुम्हें चाय के साथ ब्रेड पकौड़ा चाहिए तो हम वो भी बना देंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कल का इंतजार करना होगा। पुष्पा अपनी सास ममता के कान में कहती है, लेकिन माँ जी हम ब्रेड पकौड़ा कैसे बनाएंगे, हमने तो कभी ब्रेड पकौड़ा बनाया ही नहीं। ओहो बहू चिंता क्यों करती है, तुझे पता है ना आजकल यूट्यूब पर हर एक चीज की रेसिपी मिल जाती है, हम दोनों यूट्यूब पर देखकर ब्रेड पकौड़ा बनाना सीख जाएंगे। ठीक है माँ जी जैसा आप ठीक समझो। रात के समय ममता अपने फोन में यूट्यूब पर ब्रेड पकौड़ा बनाने की रेसिपी देखने लगती है, जिसके बाद वह देख देख कर ब्रेड पकौड़ा बनाना शुरू करती है। पहली बार में ही ममता बहुत स्वादिष्ट ब्रेड पकौड़ा बना लेती है। ये ले बहू अब तू भी मेरे हाथों का ब्रेड पकौड़ा चेक कर देख, मैं भी तो देखूं ब्रेड पकौड़ा कैसा बना है। अरे वाह माँ जी आपने तो बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं, ये ब्रेड पकौड़े खाकर तो पूरा गांव पागल हो जाएगा पागल। अरे हट पगली, गांव को पागल कर देंगे तो फिर वह हमारी चाय पकौड़े कैसे खाएंगे। दोनों सास बहू अगले दिन ब्रेड पकौड़ा बेचने की भी तैयारी कर लेती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है वह चाय का सामान और ब्रेड पकौड़े का सामान लेकर अपने ठिकाने पर पहुंच जाती हैं, जहां वह चाय और पकौड़े बेचने लगती हैं। देखते ही देखते उनके सामने बहुत लंबी लाइन लग जाती है, जिसके बाद दोनों सास बहू चाय और ब्रेड पकौड़ा लोगों को बेचती हैं। ये सब देखकर गांव के कुछ दुकान वाले उन दोनों सास बहू से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगते हैं। अरे भाई साहब क्या बताएं, इन दोनों सास बहू ने तो गांव में आते ही आतंक मचा दिया है। देखो तो भला हमारे ग्राहक जितने भी थे अब सभी इनकी दुकानों पर जा रहे हैं, अब कोई मेरी दुकान की चाय नहीं पूछता। अरे चाय तक तो ठीक था, लेकिन देखो ब्रेड पकौड़ा भी बेच रही है, अगर ये ब्रेड पकौड़ा बेचेंगे तो फिर मैं क्या यहाँ पर अंडे निकालूंगा। देखो बहुत हुआ, अब हमें इन दोनों सास बहू का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना ऐसे ये दोनों सास बहू नहीं मानने वाली मेरी। मेरा एक प्लान है। गोविंद प्रमोद और हरिया को अपने प्लान के बारे में बताता है, जिसके बाद वह तीनों रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात होती है गांव के सभी लोग अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। आधी रात के समय वह तीनों पुष्पा और ममता के ठिकाने पर जाकर उनकी दुकान में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देते हैं। लो भैया ओम फो, आज तो हमने इनके काम के पूरे दुर्राटे कटवा दिए, अब देखता हूँ कल से ये काम कैसे करेंगी। हाँ चलो अब यहाँ से चलते हैं, नहीं तो गांव में से किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो हमारी शामत आ जाएगी। वह तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है पुष्पा और उसकी सास ममता दोनों अपने ठिकाने पर आ जाती हैं, जहाँ उनकी दुकान को किसी ने बहुत ही बेरहमी से जला दिया था। ये सब देखकर ममता रोने लगती है।
हे भगवान, ये क्या हमारी दुकान किसने जला दी? अब हम अपना चाय और ब्रेड पकौड़ा का काम कैसे करेंगे? माँ जी, मुझे तो ये किसी की साजिश लगती है। जरूर किसी ने ये सब जानबूझकर किया है, और अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। पुष्पा, पुष्पा नाम है मेरा, मैं झुकेगी नहीं। अरे पुष्पा, तुझे कितनी बार समझाया है कि अपने डायलॉग अपने पास रखा कर, अभी हमें पुलिस को जाकर कंप्लेंट लिखवानी होगी। दोनों सास बहू पुलिस में जाकर कंप्लेंट लिखवा देते हैं, जिसके बाद एक से दो दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले इस वारदात पर कोई कार्रवाई नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ अब बागी की दुकान वालों का काम जोर शोर से चलने लगता है। एक दिन पुष्पा सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आ रही थी कि तभी वह प्रमोद, हरिया और गोविंद को आपस में बात करते हुए सुनती है। अरे अच्छा हुआ जो हमने उन दोनों सास बहू का धंधा चौपट कर दिया, नहीं तो आज हमारे घर में खाने के लाले पड़ जाते। अरे ये सब तो होना ही था, इतनी हवा में जो उछल रही थी एकदम से हवा में उड़ने लगेंगी तो धरती पर तो गिरेंगी ही। अरे चलो सब अब चुप हो जाओ, नहीं तो कोई सुन लेगा हमारी बातें। ये सुनते ही पुष्पा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वह जोर जोर से चिल्लाकर गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर लेती है। अरे गांव वालों, जरा यहाँ पर आ जाओ और देखो इन तीनों लोगों ने हमारे साथ कितनी बड़ी ज्यादती की है। अरे बहू क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है तू? क्या कर दिया इन तीनों ने? पुष्पा गांव के सभी लोगों को उन तीनों की हकीकत बताती है कि किस प्रकार उन तीनों ने मिलकर उनके ठिकाने वाली दुकान पर आग लगाई। अरे ये सब झूठ है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? और फिर इनके पास प्रूफ ही क्या है हमें गलत साबित करने का? अगर कोई प्रूफ है तो बताओ। इतनी कच्ची नहीं हूँ मैं, तुम लोगों की सारी बातें रिकॉर्ड की है मैंने, ये लो गांव वालों तुम भी सुनो। पुष्पा जब उन तीनों की बातें सुन रही थी तो उसने उन तीनों की बातों को अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके बाद वे रिकॉर्डिंग गांव वालों को सुनाती हैं। ये सब सुनने के बाद गांव के लोग उन तीनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अरे तुम तीनों को शर्म नहीं आई? तुम तीनों ने इन बेचारी सास बहू के धंधे को बंद करवा दिया। जितना भी इन दोनों का नुकसान हुआ है अब तुम तीनों मिलकर भरोगे, और उसके बाद तुम्हें इस गांव से निकाल दिया जाएगा। गांव के सभी लोग मिलकर उन तीनों से उन दोनों सास बहू के नुकसान की भरपाई करवाते हैं, जिसके बाद उन तीनों को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। उनके जाने के बाद वह दोनों सास बहू दोबारा से अपना चाय और ब्रेड पकौड़े का काम करना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद वह खुशी खुशी गांव में रहने लगती हैं।